हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो ना आज ही के दिन 1 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है, उससे संबंधित ये वीडियो रहेगी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो है जो जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी है ये। तो देखिए, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। तो देखिए, ये है पुत्र, तो पुत्र का आत्मजा नहीं आएगा, इसमें आएगा आत्मज, अगर ठीक है फ्रेंड्स, तो आत्मजा तो पुत्री होता है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं किया इन्होंने, इसका आत्मज आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ना हमें वे ही आंसर दिखाई दे रहे हैं जो इस कैंडिडेट ने किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द का सही चयन कीजिए। तो विलोम का सही चयन करना है, कटु तो कटु का सत्य आएगा, ये तो सही है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का एकवचन चुने। तो देखिए, जो रेखांकित शब्द है चरखे, इसका एकवचन बनेगा, जैसे ये सेंटेंस है चरखे चल रहे हैं, तो इसका एकवचन बनेगा चरखा चल रहा है, और ये सही है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का बहुवचन चुने, बालिका लिख रही है। तो देखिए, बहुवचन इसका बालिकाएं लिख रही हैं, ये सही है। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से अब इंग्लिश के शुरू हो जाते हैं, अब मैं आपको सीधा ये करवाऊंगी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत किस सदी में छोड़ा था। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत को 20वीं सदी में छोड़ा था, ठीक है, 20वीं सदी में, और यहाँ पर इन्होंने 19वीं सेंचुरी किया हुआ है, जो कि ये गलत है। तो अंग्रेज़ों ने भारत को 20वीं सदी में छोड़ा था, इसका सही आंसर 20वीं सदी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन इससे पहले अपने पिछले कार्यकाल में डैश रह चुकी हैं। तो देखिए, जो निर्मला सीतारमन है वे पिछले अपने कार्यकाल में रक्षा मंत्री रही थी, ये इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। और अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो निर्मला सीतारमन है अब वर्तमान में ये किस पद पर है, ठीक है, इसके पास कौन सा कार्यालय मिला हुआ है इसे, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये नहीं थी, ये रक्षा मंत्री थी पिछले कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा गणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, अभी ताज़ा गणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, 9 नहीं है, इसमें सही आंसर 8 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक विधायिका जिसमें 2 सदन होते हैं वह द्विसदनीय विधायिका कहलाती है। तो देखिए, एक विधायिका इसमें 2 सदन होते हैं, इसमें 2 आंसर आएगा, उच्च सदन और निम्न सदन 2 सदन होते हैं, 4 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की आयु सेवानिवृत्त होते हैं। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, न कि 70 की में, ये गलत है, इसमें 65 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पानीपत में लड़े गए युद्धों की संख्या। तो देखिए, पानीपत में लड़े गए युद्धों की संख्या तो 3 थी, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के युद्ध में मुगल सेनाओं को हराने वाले हरियाणा के महान राजा डैश थे। तो देखिए, हरियाणा के जो महान राजा थे वो हेमू विक्रमादित्य थे, और ये सही है। और आपको बता दें कि ये हेमू थे, ये रेवाड़ी से संबंध रखते थे, ठीक है, और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने अकबर को हराया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो देखिए, जो हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन तो दिखाई दे नहीं रहे, इसलिए इन्होंने ये जो किया है IISC, तो ये ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन से महीने के दौरान उगाई जाती है। तो देखिए, जो रबी की फसलें हैं ये जुलाई दिसंबर में नहीं उगाई जाती, ये गलत है, रबी की फसलें अक्टूबर
अक्टूबर और नवंबर के महीने में उगाई जाती हैं, और अप्रैल और मई में ये काट ली जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री निम्न में से किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, ये बीजेपी से संबंध रखते हैं और ये सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए निम्न सरकारी निकाय हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन डैश है? तो देखिए, ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहे और इन्होंने कमिटी किया हुआ है, तो ऑप्शन का तो पता नहीं इसमें क्या आएगा। आप ना यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि अब की बार जो एग्जाम चल रहे हैं इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से आंसर मत देखना। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में हरियाणा शब्द का क्या अर्थ था? देखिए, हरियाणा का एक समृद्ध भूमि, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लिखे गए प्राचीन महाकाव्य का नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम महाभारत है और ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा में पाया जाता है? तो देखिए, घूमर है, ये हरियाणा में पाया जाता है और ये सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत से पहले सरस्वती घाटी के प्रांत में 10 राजाओं के बीच महान युद्ध हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहे और इन्होंने कुरुक्षेत्र किया है, तो शायद यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा के दक्षिण में स्थित है? तो देखिए, हरियाणा के दक्षिण में पंजाब नहीं है, ये गलत है, राजस्थान है, इसमें राजस्थान सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों में से हरियाणा का स्थान क्या है? तो देखिए, हरियाणा का 20वां स्थान है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, हरियाणा में जो 3.59% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये होगा तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित तो रोजगार कार्यालय निम्नलिखित तो सेवाएं प्रदान नहीं करता? तो देखिए, रोजगार कार्यालय कौन कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं करता? तो इन्होंने नौकरी चाहने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना ये कर रखा है, शायद ये सही होगा, क्योंकि जो रोजगार कार्यालय है ये प्रशिक्षण प्रदान नहीं कराते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने प्रशासनिक डिवीजन हैं? तो देखिए, हरियाणा में 6 डिवीजन हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना मई 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा एक विभाग है, तो देखिए इन्होंने विभाग लिखा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऑप्शन नहीं दिख रहे इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, जब पूरा पेपर कंप्लीट आएगा उसके बाद ही एक बार फिर से वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, एक बार फिर हरियाणा जीके को फिर से रिपीट कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? तो देखिए, इन्होंने ठूंठ जलाना कर रखा है, शायद ऑप्शन में कुछ ऐसे ही होंगे इसलिए इन्होंने ये किया है, या फिर पराली जलाना, पराली जलाना भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में ये होगा तो ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित सबसे खराब वायु गुणवत्ता हरियाणा के किस जिले की है? तो देखिए, सबसे खराब तो इन्होंने गुरुग्राम किया, फरीदाबाद किया हुआ है। ठीक है, गुरुग्राम की भी हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ये ऑप्शन देखकर ही पता चलेगा कि किस जिले की है जो सबसे खराब वायु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी के लिए निम्नलिखित कौन सा संगठन का नाम है? अच्छा, देखिए, हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम क्या है? तो देखिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें ना हमने जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ है अभी मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन, हरियाणा के क्वेश्चन आए हैं और कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को करवाया है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।